दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि शो में पॉजिटिव किरदारों को निभाकर ही टीवी सितारे दर्शकों के फेवरेट बनते हैं, जिसके चलते जिन कलाकारों को एक बार पॉजिटिव रोल में देखा जाता है उन्हें इनके बाकी टीवी शो में वैसी ही भूमिका निभाते हुए देखा जाता है, क्योंकि दर्शकों के प्यार को खोने के डर से कलाकार जो अलग अलग भूमिका निभाना चाहते हैं वो एक ही तरह के किरदार में सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां ज्यादातर टीवी इंडस्ट्री के सितारे पॉजिटिव किरदार निभाकर ही दर्शकों का प्यार पाना चाहते हैं, तो हमारे टीवी इंडस्ट्री में ऐसे भी सितारे हैं जिन्होंने जहां एक तरफ सादगी और मासूमियत भरी सकारात्मक भूमिका निभाई, तो वहीं उन्हीं कलाकारों ने टीवी शो में एक नकारात्मक भूमिका भी निभाई। पर बावजूद इसके इनकी पॉपुलैरिटी और दर्शकों का उनके लिए प्यार कोई कमी नहीं रखा है। और आज हम आपको टीवी इंडस्ट्री के ऐसे ही 5 सितारों से रूबरू कराएंगे जो पॉजिटिव किरदारों के साथ साथ नेगेटिव किरदारों से भी दर्शकों का प्यार हासिल कर चुके हैं। तो चलिए देर किस बात की, आइए रूबरू होते हैं उन सितारों से। नंबर 1, सारा खान। साल 2008 में आए सीरियल विदाई से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री सारा खान हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है। आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने पॉजिटिव किरदारों को निभाकर जितना प्यार पाया उतना ही नेगेटिव किरदारों से। जहां विदाई शो में इन्होंने सीधी सादी साधना की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, तो वही कवर शक्ति अस्तित्व के एहसास की और जुनून जैसे टीवी शो में नेगेटिव किरदारों में नजर आए, जिसमें दर्शकों ने इन्हें बहुत प्यार दिया। नंबर 2, करणवीर वोहरा। इस लिस्ट में एक नाम टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता करणवीर वोहरा का भी शामिल है, जो टीवी इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जिसकी वजह इनकी दमदार एक्टिंग है। जहां हमेशा ही ये अपने किरदार को पर्दे पर उतारने में खुद को बेस्ट साबित करते हैं, तभी तो जहां ये शरारत में ध्रुव की मजेदार भूमिका निभाकर दर्शकों के काफी ज्यादा फेवरेट बन गए, तो वहीं जब इन्होंने दिल से दुआ सौभाग्यवती भवा शो में विराज डबरियाल की नेगेटिव भूमिका निभाई, तो हर कोई इनकी परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस हो गया कि नेगेटिव रोल होने के बावजूद इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले। नंबर 3, जेनिफर विंगेट। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री जेनिफर विंगेट आज दर्शकों की चहेती अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। इन्होंने अपने प्यारे से चेहरे और दमदार अभिनय से हर किसी के दिल पर राज किया है। आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री की सदाकारा ने जितनी पॉपुलैरिटी टीवी शो में पॉजिटिव किरदार निभाकर हासिल की, उससे कई ज्यादा प्यार इन्होंने नेगेटिव रोल निभाकर हासिल किया। बेहद सीरियल में इन्होंने जिस तरह माया की भूमिका निभाई उसने इन्हें इनके पॉजिटिव रोल से ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई। नंबर 4, अविनाश मुखर्जी। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रनिंग शो बालिका वधू में छोटे जगिया की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अविनाश मुखर्जी आज काफी बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जो आज टीवी शो में सकारात्मक किरदारों के साथ नकारात्मक किरदारों को भी बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये अपने शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सोहम की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, जहां इनका ये किरदार एक नकारात्मक किरदार है, पर इसके बावजूद इन्होंने कभी भी ये सोचकर इसे पर्दे पर पेश नहीं किया कि बल्कि इन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और यही वजह है कि इनके उसी किरदार को आज लाखों लोग पसंद करते हैं। नंबर 5, हिना खान। अब बात हो रही है उन सितारों की जो पॉजिटिव किरदारों के साथ साथ नेगेटिव किरदारों से दर्शकों का खूब प्यार हासिल कर चुके हैं, तो उसमें हिना खान कैसे पीछे रह सकती है, जिन्होंने जहां पहले अक्षरा की भूमिका निभाते हुए अपने सादगी और मासूमियत भरे अंदाज से 8 सालों तक दर्शकों के घरों और उनके दिलों में जगह बनाई, तो वही इनकी यही जगह कसौटी जिंदगी में कमौलिका की भूमिका निभाने के बाद भी जारी रही, जिसे इन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक इनके इस किरदार के काफी ज्यादा फैन हो गए और इन्हें ढेरों सारे अवार्ड्स भी मिले। दोस्तों, इन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों में से आपको क्या लगता है कि किसने अपने नेगेटिव किरदार को सबसे बेस्ट पर्दे पर पेश किया, आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।